हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। दैनिक जागरण के 3 फरवरी 2020 के राष्ट्रीय संस्करण के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और इसमें हम उन हेडलाइंस को देखेंगे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बनती हैं, और इसके साथ हम एडिटोरियल पेज भी डिस्कस करेंगे और उसमें जो आर्टिकल होगा हमारे लिए जिसमें फैक्ट्स होंगे वो हम नोट डाउन करेंगे, और इस वीडियो में उन जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे आप चाहें तो उसे नोट करते हुए चल सकते हैं, या फिर वीडियो क्लास में जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। देखिए, बजट वाला पेपर डिस्कस इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि आपको बजट जो 2020 है उसका अलग से एक वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा जिसमें आपके MCQ भी होंगे और वन लाइनर पॉइंट भी होंगे, तो इसलिए वो न्यूज़पेपर अभी डिस्कस नहीं कराया गया है। चलिए आज के न्यूज़पेपर को डिस्कस करते हैं। दैनिक जागरण ने जो सबसे मेन हेडिंग बनाया है वो है कि रोकेंगे आम करदाताओं का उत्पीड़न, ये बोला है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। देखिए, इस आर्टिकल में खास तौर पर ये जोर दिया गया है कि जो करदाता हैं, जो ऋण देते हैं, उनके ऋण को बेकार नहीं जाने दिया जाएगा, मतलब कि उनका उपयोग सही होगा, और जो नए करदाता जुड़ते जा रहे हैं उसको लेकर भी उन्होंने सबका धन्यवाद किया है, नए ग्राहकों का। यहाँ तक कि उद्योग जगत के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके ये बताया था कि आयकर अधिकारियों द्वारा कई बार व्यापारियों का या छोटे करदाताओं का मानसिक उत्पीड़न किया जाता है। यही वजह है कि पिछले कुछ महीनों के दौरान और बीते शनिवार को पेश आम बजट में आयकर की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर खास ध्यान दिया गया है ताकि आयकर उत्पीड़न को पूरी तरह से समाप्त किया जा सके। इसी उद्देश्य से टैक्स पेयर्स चार्टर लागू करने का फैसला किया गया है। यह अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में लागू नियमों के आधार पर होगा। सरकार की मंशा ऐसी व्यवस्था भी करने की है जिससे आयकर नियम उल्लंघन के सामान्य मामलों में करदाताओं को व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित नहीं होना पड़ेगा। वित्त मंत्री के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह भावना है कि सामान्य करदाता जिस सम्मान का अधिकार करता है या उसको अधिकार है वो उसे मिलना चाहिए। टैक्स पेयर्स चार्टर का कायदा कानून केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT को तैयार करने को कहा गया है। इसकी सबसे बड़ी बात यह होगी कि इसमें आयकर भुगतान करने वाले को संदेह की नज़र से नहीं देखा जाएगा। इसमें एक व्यक्तिगत आयकर दाता के क्या अधिकार हैं इसका साफ तौर पर विवरण होगा, साथ ही आयकर विभाग के दायित्वों व अधिकारों का भी विवरण होगा। इसमें करदाताओं की निजता की रक्षा व्यवस्था की जाएगी और इस बारे में सरकारी विभाग की तरफ से उल्लंघन होने पर भारी जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया गया है, और आयकर दाता से जुड़ी सूचना या जानकारी कानूनी अनुमति के बगैर सार्वजनिक नहीं की जा सकेगी। ये सारी बातें इस टैक्स पेयर्स चार्टर्स में लागू होंगी। अब नेक्स्ट हेडलाइन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट हेडलाइन है, भारत में कोरोना वायरस का दूसरा मामला सामने आ गया है। ये भी फर्स्ट पेज पर हेडलाइन है ये, और इसमें ये बताया गया है कि भारत में कोरोना वायरस का दूसरा मामला सामने आया है। हाल ही में केरल से लौटे एक छात्र की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना वायरस के फैलाव को देखते हुए सरकार ने चीनी नागरिकों और वहां से आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए फिलहाल ई वीजा की सुविधा पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। साथ ही लोगों को चीन नहीं जाने की सलाह दी गई है, और यह भी कहा गया है कि 15 जनवरी के बाद से जो लोग भी चीन से लौटे हैं उन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखा जा सकता है। जबकि चीन के वुहान में 323 भारतीयों का दूसरा दल रविवार को दिल्ली लौट आया है। इनके साथ मालदीव के 7 नागरिक भी लौटे हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद सोलिह ने अपने नागरिकों को वुहान से निकालने के लिए भारत का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि यह दोनों देशों के बीच उत्कृष्ट मित्रता और सौहार्द का उदाहरण है। एयर इंडिया की दूसरी फ्लाइट से वापस लाए गए 323 भारतीयों को सेना और ITBP द्वारा स्थापित आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा। और इस ये जो दूसरा मामला आया है प्रकाश में, ये भी उसी पहले छात्र की संपर्क में था जो
पहले पीड़ित हुआ था। अब नेक्स्ट हेडलाइन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट हेडलाइन है, विदेशी सरजमी पर तीसरी बार किया सूपड़ा साफ। भारत ने T20 मैचों की जो पांच मैचों की श्रृंखला थी उसमें न्यूजीलैंड को 5-0 से हरा दिया है, और भारतीय क्रिकेट टीम ने रविवार को माउंट मोंगानू में 5 मैचों की T20 सीरीज के 5वें और अंतिम मुकाबले में न्यूजीलैंड को 7 रनों से हराकर 5-0 से सीरीज अपने नाम कर ली है। भारतीय टीम 5 मैचों की T20 सीरीज में सूपड़ा साफ करने वाली दुनिया की पहली टीम बनी है। वहीं विदेशी धरती पर भारतीय टीम ने तीसरी बार सूपड़ा साफ किया है। भारतीय टीम ने इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज को उनके ही मैदान पर T20 सीरीज में हराया है। अब इसमें ये देख लीजिए कि कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, जो इससे पहले जो भारत ने तीन तीन बार सबको हराया है, 2015 में ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराया था, 2019 में इन्होंने वेस्टइंडीज को 3-0 से हराया था, और सन 2020 में इन्होंने न्यूजीलैंड को 5-0 से हराया है। नेक्स्ट हेडलाइन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट हेडलाइन है कि लीची नहीं स्क्रब टाइफस से हुई थी बच्चों की मौत। ये प्रकरण क्या है ये देख लीजिए कि कपड़ों से पैदा होने वाला बैक्टीरिया यूपी बिहार में फैला रहा है, AES यानी कि एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम। न्यूज़ देख लेते हैं क्या है। बिहार, उत्तर प्रदेश और पड़ोसी राज्यों समेत नेपाल में एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम फैलाने का मुख्य कारण स्क्रब टाइफस नामक बैक्टीरिया से होने वाला संक्रमण है। यह बैक्टीरिया घरों में चूहों और अन्य छोटे जानवरों से फैलता है, इन उन्हीं से यह मनुष्य में आता है। इंडियन मेडिकल काउंसिल रिसर्च के प्रोजेक्ट के तहत पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के डॉक्टरों के रिसर्च में यह तथ्य सामने आया है। रिपोर्ट इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कंटेम्परेरी पीडियाट्रिक्स में भी प्रकाशित हुई है। नेक्स्ट हेडलाइन की तरफ आते हैं। अब ये अब हम एडिटोरियल पेज पर आ गए हैं। इसमें तीन आर्टिकल हैं। पहला है आंकड़ों की बाजीगरी वाला बजट, दूसरा है संतुलन सुधारने की बढ़िया कोशिश, और तीसरा आर्टिकल है सतर्कता बढ़ाने का प्रयास। लेकिन हम इसमें दो आर्टिकल का डिस्कशन करेंगे। पहला है आंकड़ों की बाजीगरी वाला बजट, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं जिसे आप नोट कर सकते हैं, यानी कि फैक्ट्स इसमें ज़्यादा दिए हुए हैं जो आप नोट कर सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा है सतर्कता बढ़ाने का समय, ये कोरोना वायरस पर है जो हमारे आम जीवन में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले इस आर्टिकल को देखते हैं। इस आर्टिकल में बताया गया है कि आंकड़ों की बाजीगरी वाला बजट। अब ये आर्टिकल लिखा किसने है, ये आर्टिकल लिखा है अर्थशास्त्री एवं इजी मनी ट्रायलॉजी के स्तंभकार हैं ये विवेक कॉल ने लिखा है। इस आर्टिकल में इन्होंने बताया है कि जो उस बजट के अनुमान जो हैं काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। जो इससे पहले जो अनुमान लगाए गए थे वो भी ठीक थे, लेकिन इस बार जो भी अनुमान लगाए गए हैं 2020-21 के लिए वो पिछले वर्ष को देखते हुए काफ़ी कमज़ोर हैं। और इसको किस तरीके से समझाया गया है, कुछ पॉइंटों में इन्होंने इसको 4 पॉइंटों में समझाया है। आइए हम वो चारों पॉइंट देखते हैं। तो पहला पॉइंट है कि बजट में आगामी वित्त वर्ष में सरकारी आमदनी और खर्चों की योजना का हिसाब किताब है। सरकार को उम्मीद है कि यह वर्ष 2021 में लगभग 24.23 लाख करोड़ रुपए का कुल कर राजस्व जुटा लेगी। इसमें कॉरपोरेट कर, व्यक्तिगत आयकर, वस्तु एवं सेवा कर, आबकारी कर, सीमा शुल्क आदि तमाम तरह के कर शामिल होते हैं। केंद्र सरकार इस कमाई का 2/3 हिस्सा अपने पास रखती है और बाकी राज्यों को बांट देती है। केंद्र को उम्मीद है कि वर्ष 2020-21 में उसके कुल कर का राजस्व में 12% का इजाफा होगा, और 2019-20 के दौरान जो ये इजाफा वृद्धि का अनुमान लगाया गया था वो 18.3 लगाया गया था। और
वृद्धि का अनुमान है, लेकिन सरकार की कमाई उससे काफी कम रही थी। जो 2019-20 में अनुमान लगाया गया था कि 18.3% की कमाई रहेगी, लेकिन काफी कम रही थी। इसी बीच केंद्र सरकार उम्मीद कर रही है कि वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान उसे 21.63 लाख करोड़ रुपए के कुल राजस्व की कमाई होगी। लेकिन परेशानी यह है कि चालू वित्त वर्ष के शुरुआती 9 महीने में महज 13.83 लाख करोड़ रुपए, यानी कुल सालाना लक्ष्य के 63.9% की ही आमदनी हो पाई थी। अब अगर हम ये दूसरा पॉइंट देखें, इसका दूसरा पॉइंट है 1 अप्रैल 2017 और 31 मार्च 2020 के बीच सरकारी बैंकों के परिचालन के लिए सरकार 2,61,443 करोड़ रुपए झोंक चुकी है, यानी कि सहायता दे चुकी है। इन बैंकों के सिर पर पहले से ही फंसे हुए कर्जों का भारी बोझ है। ये वो कर्ज हैं जिन्हें 90 या अधिक दिनों तक नहीं चुकाया जाता है। इस कारण सरकार को अपने बैंकों का अस्तित्व बचाने में लगातार निवेश करना पड़ रहा है। सितंबर 2019 तक सरकारी बैंकों के 7,79,347 करोड़ रुपए ऐसे फंसे हुए कर्ज हैं जो वापस नहीं आए हैं। अगर 2018-19 में बैंक अपने फंसे हुए कर्जों में से 15.5% ही वापस ला सकी है, सोचिए ये आंकड़ा कितना, अगर देखा जाए तो निगेटिव है एक अर्थव्यवस्था के लिए। इसलिए वित्त वर्ष 2020-21 में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में केवल 2 लाख रुपए मतलब निवेश करने का प्रावधान किया है, जो कि नहीं के बराबर है। पूर्वानुमान यह है कि यह कहीं और ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए था। जो तीसरा पॉइंट है, केंद्र सरकार 2020-21 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को बेचकर मोटी कमाई करने का दांव लगा रही है। उसे आशा है कि इस तरीके से 2,10,000 करोड़ रुपए उसके खाते में आ सकेंगे। आशा है कि इस रकम से 90,000 करोड़ रुपए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के विनिवेश यानी बिक्री में काम आएंगे। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार IDBI बैंक में अपनी बाकी हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। इसके साथ ही भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की तैयारी भी की जा रही है। इससे काफी मोटी रकम हासिल होगी। यह अच्छी बात है कि भारतीय जीवन बीमा निगम को सूचीबद्ध करने से बीमा निगम में पारदर्शिता भी आएगी। वित्त वर्ष 2019-20 में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को बेचकर 1,05,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है, लेकिन इसमें संशोधन करके इसे 65,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। सरकार को एक विनिवेश कैलेंडर बनाना चाहिए और जहां तक संभव हो उसे इस पर अमल भी करना चाहिए। इस बार बजट में सरकार अपने पास पड़ी भारी भरकम जमीन की बिक्री की योजना पेश भी कर चुकी है। अगर हम अब चौथा पॉइंट देखें, चौथे पॉइंट में ये बताया गया है कि 2020-21 के लिए सरकार ने 1,15,000 करोड़ रुपए की खाद्य सब्सिडी की व्यवस्था की है। इसका मतलब साफ साफ यह है कि जो FDI है वो भी हानि में लॉस में चल रही है। खाद्य निगम को वास्तव में 3,08,680 करोड़ रुपए की सब्सिडी की जरूरत है। इसे लगभग 20,000 करोड़ रुपए की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस सरकारी रकम की कमी को पूरा करने के लिए खाद्य निगम को वित्तीय प्रणाली से सुधार के लिए उधार लेना पड़ेगा। बजट के अनुसार 1,36,600 करोड़ रुपए राष्ट्रीय लघु बचत कोष मुहैया कराएगा। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यह बजट भी पहले जैसा ही रहा है। इसमें भाषण लंबा था और तत्व कम थे। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा सतर्कता बढ़ाने का समय। देखिए, कोरोना वायरस जो लगभग 30 देशों में अपनी पहुंच दिखा चुका है और भारत उस क्रम में 23वें स्थान पर है, तो केरल में कोरोना वायरस का दूसरा मामला सामने आ गया है। यह आवश्यक है कि इस बीमारी से बचाव और सतर्कता बरती जाए। इसलिए जरूरी है कि एक तो देश भर में दर्जन ऐसे लोग सामने आ चुके हैं जो कोरोना वायरस से संक्रमित हैं या आशंका जताई गई है, इसकी भी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। सरकार को भी इस पर तुरंत तत्काल प्रभाव से कुछ ऐसे कदम उठाया जाना चाहिए, एडवाइजरी जारी करनी चाहिए जिससे लोग इसको लेकर और जानकारी प्राप्त कर सके। हालांकि भारत सरकार ने चीन से आने वाले यात्रियों को लेकर सतर्कता बरती है, लेकिन आज जब वैश्विक संपर्क
कहीं अधिक बढ़ चुका है। किसी भी देश के नागरिक कोरोना वायरस से संपर्क बचे हुए नहीं है, लगभग ये फैलता ही जा रहा है। और अगर देखा जाए तो सिर्फ चीन में ही 300 से ज़्यादा मौतें इससे हो चुकी हैं। केरल पहले निपा वायरस की चुनौतियों से जूझा था और अब कोरोना वायरस से जूझ रहा है, लेकिन भारत सरकार की तैयारियां इसके लिए देखने में दिख रही हैं, क्योंकि चीन से जो अभी 323 लोगों का दल आया है उसकी अभी जांच की जा रही है। उन्हें अलग वार्डों में रखा गया है, अगर वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनका इलाज किया जाएगा, और अगर निगेटिव आता है तो ये उनके लिए भी और देश के लिए भी अच्छी बात है। अब नेक्स्ट हेडलाइन पर आते हैं। देखिए, अब हम बिजनेस पेज पर हैं और इसमें भी पूरा बजट को लेकर पूरा पेज है, तो इसमें दो हेडिंग ऐसी हैं जिसका हम डिस्कशन कर सकते हैं, और ये है कि राज्यों और केंद्र में किस तरीके से टैक्स का बंटवारा होता है, एक तो हम ये आर्टिकल देखेंगे, और दूसरा है कि यात्री सुविधाओं और आमदनी बढ़ाने को PPF मॉडल कैसे लागू किया जाएगा रेलवे में, ये देखेंगे। तो चलिए पहले ये वाला देख लेते हैं कि ऐसे होता है केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स का बंटवारा। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों से टैक्स की हिस्सेदारी में महाराष्ट्र, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश और बिहार को काफ़ी फायदा हुआ है, वहीं कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को खासा नुकसान उठाना पड़ा है। अब राज्यों को आवंटन का आधार क्या है, ये देख लीजिए। वित्त आयोग राष्ट्रपति से सिफारिश करता है कि संघ और राज्यों के बीच करों का, शुद्ध प्राप्तियों का वितरण कैसे किया जाए। इसमें जनसंख्या, क्षेत्रफल, जनसांख्यिकी प्रदर्शन, वन एवं पारिस्थितिकी, इनकम डिस्टेंस, राष्ट्रीय औसत से राज्यों की स्थिति अधिक या कम, टैक्स एफर्ट्स और के आधार पर आयोग करों के वितरण की सिफारिश करता है। इस बार GST के हिसाब से रेवेन्यू के बंटवारे का फार्मूला भी आयोग के ध्यान में है। और इसका संविधान में क्या प्रावधान है, संविधान के भाग 12 के अध्याय 1 में केंद्र व राज्यों के बीच राजकोषीय संबंधों की चर्चा है। इनमें इनके बीच वित्तीय साधनों का विभाजन किया गया है। यह विभाजन 1935 के अधिनियम पर आधारित है। संविधान के अनुच्छेद 273, 275 और 282 के तहत राज्यों को तीन प्रकार की सहायता अनुदान का भुगतान केंद्र करता है। अनुच्छेद 282 के तहत वित्त आयोग राज्य सरकार से आगामी 5 वर्षों के सामान्य राजस्व, आय और व्यय का आकलन मांगता है। राज्य सरकारों की वित्तीय परेशानियों को देखते हुए वित्त आयोग निरंतर राजस्व का हिस्सा बढ़ाने की सिफारिश करता आया है। केंद्र उसे मानता भी है। नेक्स्ट है कि क्यों होता है विवाद, जो केंद्र और राज्य के बीच बंटवारे का विवाद होता है वो क्यों होता है। अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को अधिक राजस्व मिलता है, ऐसे में उन राज्यों को आपत्ति होती है जिनकी संख्या नियंत्रित है, और दक्षिण के कई राज्य जनसंख्या नियंत्रण पर वर्षों से कार्य कर रहे हैं, ऐसे में आबादी कम करने के सकारात्मक प्रयासों का भी उन्हें नकारात्मक परिणाम मिलता है। आयोग ने 1% घटाई हिस्सेदारी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन को मंजूरी दी। इसकी सिफारिश 1 अप्रैल 2020 से शुरू होगी। इस आयोग का कार्यकाल 6 वर्षों का होगा। एनके सिंह की अध्यक्षता वाले इस वित्त आयोग ने वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर राज्यों के बीच संसाधनों का आवंटन करने की अनुशंसा की है। इससे पूर्व तक 1971 जनसंख्या को आधार माना गया था। इस आयोग ने राज्यों की भागीदारी 42 से घटाकर 41% करने की अनुशंसा की है। संविधान संशोधन में बदलाव जो किए गए हैं वो भी देख लेते हैं। वर्ष 2000 में 80वें संविधान संशोधन के तहत केंद्र व राज्यों के राजस्व वितरण में परिवर्तन किया गया है। इसमें कहा गया है कि संघ सूची में निर्दिष्ट सभी कर और शुल्क का विभाजन संघ और राज्यों के बीच होगा। इस क्रम में योजना आयोग अब तक नीति की स्थापना की गई है। एनके सिंह के नेतृत्व में 15वें वित्त आयोग ने सुझाव दिया है कि ऐसी राजकोषीय परिषद की स्थापना की जाएगी जो कोष के पूर्वानुमान के साथ निगरानी की भूमिका भी निभा सके। आइए अब नेक्स्ट हेडलाइन जो है PPF मॉडल पर, उसे देख लेते हैं। इसमें ये बताया गया है कि दिल्ली से लखनऊ, मुंबई से अहमदाबाद के बीच प्राइवेट ट्रेन जो चलाई गई थी वो फायदेमंद रही है, और अब अन्य ट्रेनें भी चलाई जाने का इस बजट में घोषणा की गई है। घाटे से उबरने के लिए रेलवे ने भारतीय रेलवे
को अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल की पटरी पर लाने की घोषणा की है। नई दिल्ली से लखनऊ और मुंबई से अहमदाबाद के बीच जो प्राइवेट ऑपरेटर जिम्मेदारी रेलगाड़ी के चलाने की सौंपी गई थी, उसमें रेलवे को काफ़ी लाभ हुआ है। 17,000 करोड़ से अधिक आमदनी बढ़ी है चालू वित्तीय वर्ष में। पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत और 150 ऐसी नई ट्रेनें चलाई जाएंगी। नेक्स्ट हेडलाइन, तो ये बजट में जो स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी घोषणा की गई है वो देख लेते हैं कि एक पोर्टल, एक फीस और एक टेस्ट से मिलेगी सरकारी नौकरी। बचेगा युवाओं का पैसा, समय और ऊर्जा। परीक्षा का स्कोर 3 वर्ष के लिए होगा मान्य। देखिए, वैसे ऐसी घोषणा जो IBPS है, बैंकिंग बोर्ड, उसके लिए भी की गई थी, लेकिन वो बाद में बदल दी गई थी कि 1 साल तक के लिए कार्ड वैलिड होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ था, योजना ऐसे ही रह गई थी। अब देखते हैं ये योजना कितनी लागू होती है। लेकिन आर्टिकल में क्या है ये देख लेते हैं। अब युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए अलग अलग फॉर्म भरने और हर बार फीस चुकाने की जरूरत नहीं होगी। शनिवार को पेश आम बजट में एक पोर्टल, एक फीस और एक टेस्ट का प्रस्ताव रखा गया है। आंकड़ों के मुताबिक प्रति वर्ष औसतन करीब 1.25 लाख सरकारी नौकरियों के लिए 2.5 करोड़ युवा अलग अलग भर्ती बोर्ड के जरिए निकाले गए फॉर्म भरते हैं। आम आदमी इस आम बजट के जरिए युवाओं की यह परेशानी दूर करने का प्रावधान किया गया है। बजट में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाने की बात कही गई है। यह सिंगल ऑनलाइन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नाम से प्रत्येक वर्ष एक परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। इस परीक्षा में प्राप्त किए गए अंक सभी गैर राजपत्रित नौकरियों के लिए मान्य होंगे। एक बार परीक्षा में प्राप्त किए गए अंक 3 वर्षों के लिए वैध होंगे। स्कोर सुधारने के लिए 12वीं और मैट्रिक सॉरी स्कोर सुधारने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को 2 अतिरिक्त मौके दिए जाएंगे। इस दौरान सबसे बेहतर प्रदर्शन को चयन का आधार माना जाएगा। CET टेस्ट पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित होगा और इसके लिए प्रत्येक जिले में परीक्षा सेंटर स्थापित किए जाएंगे। बजट दस्तावेज के मुताबिक ग्रेजुएट 12वीं और मैट्रिक स्तर के लिए अलग अलग CET आयोजित कराए जाएंगे। इस नई व्यवस्था से सरकार और अभ्यर्थी दोनों का पैसा और समय बचेगा, लेकिन युवाओं को इससे सीधा लाभ मिलेगा। जो मौजूदा व्यवस्था के तहत पूरे वर्ष फॉर्म भरने, फीस चुकाने और परीक्षा के लिए अलग अलग सेंटर पर दौड़ भाग करते रहते हैं। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि CET व्यवस्था लागू होने से गरीब तबके के विद्यार्थी सबसे अधिक लाभान्वित होंगे। बार बार फीस चुकाने के चलते इस वर्ग के युवाओं पर अतिरिक्त भार पड़ता है। इससे कई बार ये सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरने से वंचित रह जाते हैं। CET के जरिए इससे छुटकारा मिलेगा। ये योजना तो काफी अच्छी है, अगर ये लागू हो जाए तो और भी अच्छा है। अब नेक्स्ट हेडलाइन की तरफ आते हैं। देखिए, इंटरनेशनल पेज पर न्यूज़ है कि ब्रेग्जिट के बाद यूरोपीय यूनियन के समर्थन में स्कॉटलैंड में हुए प्रदर्शन। इस न्यूज़ आर्टिकल में देख लेते हैं कि ब्रिटेन के 47 साल बाद यूरोपीय यूनियन से अलग होने के एक दिन बाद ही इसके खिलाफ आवाज उठने लगी है। स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग में शनिवार को EU के समर्थन में विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए। प्रदर्शनकारियों ने जो बैनर ले रखे थे उसमें लिखा था कि स्कॉटलैंड के लोग अब भी EU को प्यार करते हैं। जून 2016 में हुए जनमत संग्रह के दौरान स्कॉटलैंड के 62% लोगों ने यूरोपीय यूनियन के साथ बने रहने के पक्ष में वोट दिया था। स्कॉटलैंड सरकार की मुखिया निकोल स्टर्जन ने कहा है कि EU से अलग होने के बाद की स्थितियां पूरी तरह बदल गई हैं। स्कॉटलैंड शुरुआत से ही EU का हिस्सा रहा है। एक सर्वे में 51% लोगों ने ब्रिटेन से अलग होने के पक्ष में अपनी राय व्यक्त की है। नेक्स्ट हेडलाइन है कि फिलीपींस में कोरोना वायरस से हुई है पहली मौत और 25 देशों में पहुंच चुका है ये वायरस। तो फिलीपींस में कोरोना वायरस से एक व्यक्ति की मौत हो गई है और चीन में अब तक 304 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और रूस समेत दुनिया के 25 देशों में यह वायरस फैल चुका है और इसके प्रकोप को रोकने के लिए चीन समेत दुनिया भर में युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। फिलीपींस में WHO संगठन के प्रतिनिधि रविंद्र अभय सिंघे ने कहा है कि चीन से बाहर कोरोना वायरस से यह पहली मौत है। नेक्स्ट हेडलाइन पर आते हैं।
मोहम्मद तौफीक अलावी बने हैं इराक के नए प्रधानमंत्री। ये इराक में पिछले 4 महीनों से जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच मोहम्मद तौफीक अलावी को मुल्क का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इराकी राष्ट्रपति बरहाम सालेह ने शनिवार को तौफीक की नियुक्ति की घोषणा की है। नए पीएम को 1 माह के भीतर नई कैबिनेट गठित करके संसद की मंजूरी लेनी होगी। इसके अलावा नई सरकार देश में नए सिरे से चुनाव कराने की घोषणा भी कर सकती है। नेक्स्ट हेडलाइन की तरफ आते हैं। देखिए, अब स्पोर्ट्स पेज पर आ गए हैं और इसमें न्यूजीलैंड को जो भारत ने कल हराया है वो न्यूज है, और ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है जोकोविच ने, नोवाक जोकोविच ने। देखिए, जोकोविच ने ये जो खिताब जीता है वो सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थियेम को हराकर ऑस्ट्रेलिया ओपन, अपना 8वां ऑस्ट्रेलिया ओपन खिताब जीता है, और इन्होंने 17वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। देखिए, आज का जो पॉइंट बनते हैं वो सिर्फ 3 पॉइंट ऐसे हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। वो है कि भारतीय टीम T20 मैचों में सूपड़ा साफ करने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है। 2015 में ऑस्ट्रेलिया को, 2019 में वेस्टइंडीज को और 2020 में न्यूजीलैंड को हराया है। तौफीक अलावी बने हैं इराक के नए प्रधानमंत्री। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थियेम को हराकर 8वां ऑस्ट्रेलिया ओपन और अपना 17वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। ये आज का, यानी कि 3 फरवरी 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।